हाँ, तो देखिए इन प्रीसेट्स को यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है, आप इफेक्ट्स में जाओगे, इफेक्ट्स के हैमबर्गर मेनू पे क्लिक करेंगे और करेंगे इंपोर्ट प्रीसेट्स। इंपोर्ट प्रीसेट्स करके आपका जो भी जहाँ से भी आपने मेरे प्रीसेट्स डाउनलोड किए हैं वहाँ से प्रीसेट्स को इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे ओपन करके, तो आपको कुछ मेरे जो प्रीसेट्स हैं वो कुछ इस तरीके से मिल जाएंगे। टोटल देखिए ये कुछ 19-20 के आसपास कुछ एनिमेशन हैं। तो देखिए इसमें कुछ स्टार्टिंग में ये इन वाली है, मतलब आपको ये जब टेक्स्ट इफेक्ट स्टार्ट होगा, स्मोक टेक्स्ट इफेक्ट आपको स्टार्ट करना है तब लगानी है, और जब उसको एंड करना है तो ये आउट वाली है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये इन लिखा है, इन स्मोक टेक्स्ट सेंटर, इन स्मोक टेक्स्ट राइट, मतलब ये राइट लिखा है, इसका मतलब ये जो टेक्स्ट एनिमेशन है ये राइट से आएगी, और यहाँ आउट मतलब ये राइट की तरफ जाएगी। ओके, मान लीजिए मैं इसको ऐसे करता हूँ राइट से, तो देखिए जो मैंने एनिमेशन ड्रैग एंड ड्रॉप किया इफेक्ट को, तो देखिए ये मेरी राइट से आ रही है, ठीक है, और ये आपको स्मोक इफेक्ट ऐसे मिल गया है। सेम अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ और इसको मैं आउट में यहाँ से इसको मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ आउट को, और राइट इन को मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे मैच कर देता हूँ। तो देखिए जो आपका इफेक्ट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, मतलब ये राइट से आई, इन हुई, ये ऐसे आके रुका, और ये आउट भी मैंने राइट लिया है तो ये आउट हो जाएगी राइट में ही। ओके, इस तरीके से तो पूरे इसमें ये ऐसे ही लिए हुए हैं सारे के सारे। फॉर एग्जांपल मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, मैं इधर गया और मैंने इसके इफेक्ट्स कंट्रोल में से जो मैंने इफेक्ट हटा दिए, और इसमें से भी मैंने जो इफेक्ट्स हैं हटा दिए, और अभी मैं इसको लेता हूँ अप लेफ्ट, इसको लिया, सॉरी अप लेफ्ट लेता, अप राइट लेता हूँ, मतलब अप राइट इधर से आएगी ये इन, और डाउन लेफ्ट, डाउन लेफ्ट में आउट पे लगा देता हूँ, तो मतलब एनिमेशन अब यहाँ से आएगी, यहाँ स्टे करेगी और इधर चली जाएगी। देखिए ये आई, स्टे करी और ये चली गई। अच्छा, आपको इनमें कभी भी किसी एनिमेशन को आपको लगता है कि ये इधर से आ रही, थोड़ा सा इस तरफ से, इस तरफ से आए, थोड़ा सा इस तरफ से आए, तो आपको जो भी चेंजेस करने होंगे ना वो आप इस किसी भी के इफेक्ट कंट्रोल में जाना और टर्बुलेंट, गॉशियन और इसको टच किए बिना आप जो ट्रांसफॉर्म है इस ट्रांसफॉर्म को देखना। ट्रांसफॉर्म में पोजिशन पर जो की फ्रेम लगा हुआ है, एक यहाँ की फ्रेम लगा हुआ है, देखिए पोजिशन यहाँ, ये देखिए इधर जा रही है, आप चाहते हो कि ये इधर ना जाके थोड़ा इस तरफ जाए, तो आप इसमें इसके लास्ट की फ्रेम पे आना और लास्ट की फ्रेम पे इसकी पहले ओपेसिटी को आप पूरा कर दो जिससे आप थोड़ा बहुत देख पाओ, और इसको आप ऐसे करके ऐसे कर सकते हो, और लास्ट में ओपेसिटी को वापस कर दो 0, तो आपका देखिए एनिमेशन थोड़ा सा चेंज हो गया, देखिए भी इधर से आ रहा है। ठीक है, एक्चुअली मैंने यही किया है बाकी सारे प्रीसेट्स में भी, जो ट्रांसफॉर्म है उसको मैंने चेंज कर दिया है। अब आप समझ गए होंगे, इसमें मैंने टर्बुलेंट डिस्प्लेसमेंट लगाया है पहले, देखिए टर्बुलेंट डिस्प्लेसमेंट में ये पहले ऐसे हुआ है, ठीक है, और इसी चीज़ को मैंने इसको इनेबल किया। ट्रांसफॉर्म में मैंने इसको क्या किया, थोड़ा सा मूव कर दिया है ट्रांसफॉर्म में। ओके, और फिर उसके बाद मैंने इसमें गॉशियन ब्लर लगाया, गॉशियन ब्लर स्टार्टिंग में मैंने रखा है 0, उसके बाद मैंने एंड में जाके गॉशियन ब्लर को बहुत ज़्यादा कर दिया है 70-80 के आसपास, और लास्ट में थोड़ा सा ट्विल इफेक्ट दिया है जिससे थोड़ा सा ये रोटेट हो, मतलब घूमे थोड़ा सा ट्विल किया है इसको। यही 4 इफेक्ट लगाए हैं मैंने सारे प्रीसेट्स में। आप इस तरीके से इनको आप यूज़ कर सकते हो और ये बहुत अच्छा लगता है। इसमें थोड़े चेंजेस भी करिए, 1-2 इफेक्ट आप इसमें और डायरेक्शन ब्लर वगैरह भी आप इसमें लगा सकते हो, पर मेरे लिए इतना इनफ था तो मैं इन्हीं को यूज़ करता हूँ। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि कौन से इफेक्ट्स लगाए हैं और कैसे लगाए हैं और इनको आपको यूज़ कैसे करना है इन और आउट को। एक कोशिश कीजिएगा कि आपका इसमें टेक्स्ट हो वो कुछ 8 से 9 सेकंड का या 10 सेकंड के आसपास हो। ओके, चलिए, हाँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।